हेलो बच्चा पार्टी, जैसा कि आप लोग टाइटल देख रहे हैं, यस सही बात है, इंस्टीट्यूट ने नया स्टडी मटेरियल मई और नवंबर 2022 के एग्जाम्स का रिलीज कर दिया है। मैं सीए इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ, उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम अगले साल होना है मई एंड नवंबर 2022 में। यानी इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी मई अटेम्प्ट, ये जो मई 2021 का एग्जाम था ऑलरेडी वो ले चुकी है इंस्टीट्यूट। नवंबर में जो एग्जाम होना है, दिसंबर में, नवंबर वाले एग्जाम को दिसंबर में शिफ्ट करके इंस्टीट्यूट ने डेट शीट ऑलरेडी अनाउंस कर दी है। अब इंस्टीट्यूट मिशन 2022 में जा चुकी है। जो बच्चे अभी डायरेक्ट एंट्री से, जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट एंट्री से सीए कर रहे हैं, उन बच्चों का जो अटेम्प्ट आएगा मई या नवंबर 2022, और या फिर जो बच्चे अभी सीए फाउंडेशन का एग्जाम एपियर कर चुके हैं और जिनका रिजल्ट आना है, सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट आना है, दे विल बी प्रमोटेड टू इंटर लेवल, और इंटर में जो उनका एग्जाम होगा वो अब नेक्स्ट ईयर होगा मई 2022 या नवंबर 2022। अगर आप ग्रुप, मान लीजिए आज आप, मान लीजिए एक महीने, अगले नेक्स्ट 1 मंथ में आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे आप प्लान करेंगे कि सर मैं एक ग्रुप दे देता हूँ मई 2022 में, और या फिर बोथ ग्रुप दूंगा नवंबर 2022 में, जैसा भी है। सर सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप वन में पेपर 400 मार्क्स का है, जिसका पेपर फोर टैक्सेशन, टैक्सेशन के अंदर दो टॉपिक है, इनकम टैक्स और जीएसटी। सर ये जीएसटी का जो स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट रिलीज करेगी वो नवंबर से पहले नहीं करेगी, नवंबर 2021 से पहले नहीं करेगी, ये मेरा मानना है। जो इंस्टीट्यूट का जीएसटी का अपडेटेड मटेरियल आएगा, जिन बच्चों का एग्जाम 2022 में है, वो इंस्टीट्यूट नवंबर से पहले रिलीज नहीं करेगी, 31 अक्टूबर तक की अमेंडमेंट उसमें डालनी पड़ती है। इनकम टैक्स की स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे ऑलरेडी आ चुकी है। अभी आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ जाना है, बट ध्यान रहे, जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री से हैं और एग्जाम 2022 में देने वाले हैं, एक वो, और दूसरा जो बच्चे फाउंडेशन का एग्जाम एपियर कर चुके हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो उनके लिए ये चीज रेलिवेंट होगी। जो इंस्टीट्यूट ने नया मटेरियल अपलोड किया है, ध्यान रखिएगा, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे रहे हैं 2022, इनकम टैक्स पोर्शन में फाइनेंस एक्ट 2021 एप्लीकेबल है, असेसमेंट ईयर 2022-23 एंड प्रीवियस ईयर 2021-22। जो बच्चे पहली बार, यू नो, इनकम टैक्स पेपर, मान लीजिए आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आप वो बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम, आपको पता ही नहीं है क्या होता है इनकम टैक्स, क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, ऑब्वियसली ये बातें समझ में नहीं आएंगी, उसके लिए अलग से डिटेल्ड वीडियो बनेंगी, उसमें हम लोग बात करेंगे व्हाट इज प्रीवियस ईयर, व्हाट इज असेसमेंट ईयर, व्हाट इज फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वो बातें हम अलग करेंगे, ठीक। ऐसे मानिए कि जो आपका पेपर है, आपका पेपर जो 4 है ग्रुप 1 का, उसमें जो टैक्सेशन पेपर के अंदर जो इनकम टैक्स पोर्शन है उसका ये सिलेबस है, ईयर स्पेसिफिक सिलेबस होता है, आपका एग्जाम मई या नवंबर 2022 में है, तो ये आपका सिलेबस है कि आपको जो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है 1961, दैट इज अपडेटेड विद फाइनेंस एक्ट 2021, आपका प्रीवियस ईयर होगा 21-22, असेसमेंट ईयर होगा 22-23, यानी किस ईयर की इनकम पर आप टैक्स देंगे, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, जो अप्रैल से शुरू होगा और मार्च में फिनिश होगा। ध्यान रहे, ये जो अभी बातें कर रहा हूं ये नवंबर वाले एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट नहीं है। आप बच्चे का एग्जाम अगर नवंबर 2021 में है तो ये चीजें आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है। जिन बच्चों का एग्जाम नवंबर 2021 में है उनको 1 साल पीछे वाली चीज पढ़नी है, नवंबर 2021 का एग्जाम जो दिसंबर में होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। आप वो बच्चे हैं जो मई या नवंबर 2022 में एग्जाम दे रहे हैं, और अच्छी बात क्या है, इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट रिलीज कर दी है इसकी, इनकम टैक्स की, जीएसटी की, ये अक्टूबर के बाद ही आएगी, ऐसा मेरा मानना है, पहले आके कोई फायदा है नहीं। सर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाएंगे, होम पेज पे रहेंगे आप, स्टूडेंट सेक्शन में बोर्ड ऑफ स्टडीज पोर्टल पे जाओगे, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल पे जाओगे तो नीचे इंटरमीडिएट कोर्स, इंटरमीडिएट कोर्स में पेपर फोर टैक्सेशन, जब आप इसके अंदर आएंगे तो पहले ही आपको देखेगा स्टडी मटेरियल रिलेवेंट फॉर मई 2022 एंड नवंबर 2022 एग्जामिनेशन। आप इसको क्लिक करोगे तो इसमें अभी तक इंस्टीट्यूट ने सिर्फ पार्ट ए अपडेट किया है, स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू इनकम टैक्स, जीएसटी का भी अपडेट नहीं कर पाएगी इंस्टीट्यूट। मेरा जो पर्सनल मानना है, इंस्टीट्यूट इसको अक्टूबर के बाद अपडेट करेगी, किसको, जीएसटी पोर्शन को, क्योंकि 31 अक्टूबर तक की अमेंडमेंट को एटलीस्ट तो दे उसमें, ताकि वो मई एग्जामिनी के काम आए, जीएसटी में हर 6 महीने में चेंजेस आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सर आप स्टडी मटेरियल को क्लिक करेंगे तो सारे चैप्टर्स यहाँ आपके नजर आएंगे,
वो तो इसके अंदर जाके एनालाइज करने वाली बात है कि इंस्टीट्यूट ने कौन से नए टॉपिक डाले हैं, कौन से पुराने टॉपिक रिमूव कर दिए। ज्यादा चेंजेस नहीं होते, सिर्फ जो ईयर चेंज के कारण इम्पैक्ट आता है, नए जो लॉ आते हैं फाइनेंस एक्ट के थ्रू, वो इंस्टीट्यूट इनकॉर्पोरेट करती है। अब जैसे पिछले 2 साल में इंस्टीट्यूट ने ऐसे ही चेंजेस करते समय एक नया चैप्टर डाल दिया था EMT के नाम से, तो वो देखना पड़ेगा इसमें। अब एक एक करके एनालाइज करना पड़ेगा कि कोई नया टॉपिक आया है या नहीं आया है इंस्टीट्यूट की तरफ से, या पुराना टॉपिक इंस्टीट्यूट ने कहीं ड्रॉप तो नहीं कर दिया जिन बच्चों का एग्जाम 2022 में है, राइट। तो प्लीज इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए। हमारी जो क्लासेस, जो बच्चे हमारे को फॉलो करना चाहते हैं, वो हमसे टेलीग्राम पे जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। आप मान लो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, राइट। आप हमसे क्लासेस लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं इनकम टैक्स या GST या दोनों, तो GST का बैच तो अगले 5-6 दिन में ही आ रहा है, उसके बारे में अलग से क्लासेस चलेंगे, बात बताऊंगा। जो सर इनकम टैक्स का हमारा, अगर आप SATC को फॉलो करना चाहते हैं, आपका एग्जाम नेक्स्ट ईयर में या नवंबर 2022 में है, राइट। तो हमारा जो इसका इनकम टैक्स का बैच आने वाला है वो मिड ऑफ सितंबर, अगस्त चल रहा है ये, मिड सितंबर में इनकम टैक्स का बैच स्टार्ट होगा। फ्रेश रिकॉर्डिंग, अपडेटेड रिकॉर्डिंग, यही चीज उसमें अपडेट की जाएंगी। सर उस समय जो हमारी बुक काम करेंगी इनकम टैक्स की, वो 19th एडिशन काम करेंगे। इनकम टैक्स की अभी फिलहाल जो हमारे पास बुक अवेलेबल है वो 18th एडिशन की है, जो आज से 1 महीने के बाद अवेलेबल होने जाएगी। वो बुक होगी मेरी, हमारी 19th एडिशन की इनकम टैक्स की बुक, CA इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम मई या नवंबर 2022 में है। फाइनेंस एक्ट 2021, असेसमेंट ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 21-22, ठीक। अपडेटेड क्लास, अपडेटेड नोट्स, अपडेटेड रिकॉर्डिंग, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग आपकी ठीक मिड ऑफ सेप्टेम्बर से चालू हो जाएगी, एंड कोर्स अराउंड जनवरी फरवरी में जाके आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा, इनकम टैक्स का भी और एज वेल एज GST का भी, दोनों अगर आप 100% कोर्स हमारे यहां से कवर करना चाहते हैं तो, ठीक। और रही बात अपडेशन की, तो जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे। आपको सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको हमारी तरफ से अपडेशन मिलता रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।